ये तो कर सकते हैं, अगर मैंने सुना बटन दबा
दादा को जीवन प्रदान किया और उसे ये निर्देश दिया कि उनके आज्ञा के बिना कोई भी प्रवेश न कर सके। एक बार जब भगवान शिव भवन में प्रवेश करने की चेष्टा कर रहे थे तो उस बालक ने मुखर तौर पर ही उन्हें रोक दिया। भगवान शिव का क्रोध उनके वश से बाहर हो गया था और वो उसी क्रोध में अपने त्रिशूल से उस बालक का सर धड़ से अलग कर दिया। इस कांड की ध्वनि पार्वती के कानों तक पहुंची। वो द्वार पर आई और अपनी आंखों से बालक की अवस्था को देखा। वो अपने स्वामी पर अत्यधिक क्रोधित हुई जो भी वह उसे देख रही। उस बालक को